नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ सुनील आनंद और आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं हूँ मुंबई जू में, जिसे रानी बाग भी कहा जाता है और काफ़ी फेमस ये प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लोकल तो आते हैं लेकिन जो बाहर से जो आते हैं टूरिस्ट, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो ये आर्टिफिशियल यहाँ पे बना हुआ है और असली वाले देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये है टिकट काउंटर और टिकट के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। और ये है मैप, ये जू का मैप है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है लेपर्ड्स यहाँ पे रखे हैं। ये आपको अभी यहाँ कोने में बैठा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं ज़ूम करूँगा तो आपको नज़र आएगा, तो मैं ज़ूम करता हूँ और ये ज़ूम हो गया। ये देखो, ये दोनों सामने बैठे हुए हैं। और आज जो है वो गर्मी ज़्यादा है और इसलिए थोड़ा ज़रा प्यास ज़्यादा लग रही है, और इसलिए ये जो एनिमल्स है वो भी गर्मी से बचने के लिए शेल्टर लेके है। और ये देखो, ये मैंने ज़ूम किया, अभी वो वहाँ यहाँ बैठा था, अब वो उठ के वहाँ पे चला गया। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है ये वन डे पिकनिक के लिए। आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो। और आज जैसे मैंने कहा कि काफ़ी धूप है, तो ज़्यादा करके जो एनिमल्स है वो शेल्टर के अंदर ही है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम बीतता जाएगा वो लोग आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये सामने आपको कितना ब्यूटीफुल आपको ये लग रहा है, इसकी स्किन देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। तो दोस्तों, ये है मेन एट्रैक्शन, देखिए कितना ह्यूज है। इसे देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और ज़्यादा करके इसी को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ये नहीं हुआ करता था। ये हाल ही में कुछ अभी एक साल ही हुआ इसे यहाँ पे लाया गया है, लेकिन फिर भी देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और टाइम टू टाइम यहाँ पे आते रहता है, कभी कभी आपको यहाँ पे ये नज़र ये व्यू आपको नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है तो वो वहाँ पे शेल्टर में ही बैठ जाता है। तो ये है देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से इसे बनाया है। नीचे है वो पानी है, वो तो धूप ज़्यादा होती है तो पानी में भी आके बैठता है। मैंने वो वीडियो भी शूट किया था लेकिन वो कुछ करप्ट हो गया, तो वो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये वहाँ पे जा रहा है अपने शेल्टर में। और तो आगे बढ़ते दोस्तों, ये मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ। देखिए अभी भी यही बैठा हुआ है और बहुत बहुत। अब यहाँ से अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो कि आप जब अपनी आंखों से अगर सामने देखते तो कितना ब्यूटीफुल ये लगता है, क्योंकि स्किन बहुत अच्छी है। इन दोनों की जो स्किन है वो बहुत बहुत सिल्की है, बहुत अच्छी है। और ये है हाइना, ये तो जब से आया तब से सो ही रहा है और ऐसा लगता है ये कह रहा है पुष्पा नहीं उठेगा साला, उठ जा उठ जा उठ जा भाई। और ये देखो, ये उसके लिए पानी पीने के लिए है। और अरे ये उठ गया उठ गया, उठ उठ उठ, उठना चाहिए शायद, लगता है नहीं उठेगा। तो वही अभी थोड़ा ज़रा धूप है तो इसीलिए सब शेल्टर में है। और ये बर्ड पार्क भी यहाँ पे बनाया है, बहुत अच्छा, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स यहाँ पे, पैरट्स हैं और कॉकटेल है, ये एक बर्ड है और आपको मैं दिखाता हूँ। और ये पैरट कुछ अपना भोजन करते हुए वो खा रहा है कुछ। और देखिए कितने, मैं इतना थोड़ा क्लोज हूँ फिर भी वो डर नहीं रहा है, वो अपने धुनके में मस्त है, क्योंकि उनको पता है ये कि रोज़ यहाँ पे ह्यूमंस आते हैं और हमारा फ़ोटोज़ लेते हैं, तो इसीलिए वो यूज्ड हो गए, तो इसीलिए वो नहीं डरते आपसे। और ये एक नीचे भी है, एक नेस्ट बनाया, देखो यहाँ पे एक बैठा हुआ है, उस तरफ उसका फेस उस तरफ है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आना अच्छा रहेगा, लेकिन आप मैं देखिए ये भी एक है और एक यहाँ पे है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आना अच्छा रहेगा, वन डे पिकनिक के लिए बेस्ट है। और ये कॉकटेल्स हैं, कॉकटेल बर्ड है। तो इसकी जो टिकट है
वो 50 रुपीज़ है। और अगर आपको फ़ोटोग्राफी DSLR से करना है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो कैमरा से, यानी जो बड़ा वीडियो कैमरा से वीडियो लेना है, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी 50 रुपीज़ के अंदर बहुत अच्छा है वन डे पिकनिक के लिए। आप यहाँ पे आइए, आपको भाईकला स्टेशन से एकदम सामने है, और इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो, पूरा दिन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और ये भी एक देखिए, ये मुझे लग रहा है फ्लेमिंगो है। हाँ, फ्लेमिंगो ही है। तो अभी बस धूप है इसलिए सब अंदर ही है, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स हैं। ये भी एक फ्लेमिंगो, ये नीचे आप अपने आप को साफ करते हुए। तो देखिए कितने करीब से, शायद से इतना करीब से एक फ्लेमिंगो को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप आके देख सकते हो। और यहाँ पे भी देखिए, ये है, ये छोटे छोटे भी बर्ड्स हैं। तो जैसे धूप है तो लोग इसलिए ज़्यादा करके अभी पानी में ही है। तो मेरे साथ बने रहे, मैं आपको और भी शो करते रहूँगा। यहाँ पे भी ये सामने देखिए एक बहुत बड़ा बर्ड है, उसका मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये उनके लिए बैठने के लिए बनाया है। ये ऊपर, ये जो ऊपर है वो एक्चुअली ओरिजिनल है। और ये देखिए, ये दो कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों, कितने ब्यूटीफुल कपल ही लग रहे हैं। और ये है, ये भी एक बर्ड है, इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये भी एक बर्ड है। ये नेस्ट बनाया है, और ये दूसरा वाला, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आ सकते हो। और ये है अपना गेंडा हिप्पोपोटेमस, अभी तो पानी के अंदर ही है, और शायद से मुझे नहीं लगता है बाहर आएगा, क्योंकि आज धूप बहुत है इसीलिए। लेकिन चलो, ये दूसरा है, डियर है। अब ये तो बाहर ही रहते हैं, एक इधर है और एक ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये देखिए, और ये ट्री है, ये एलिफंट। अभी भी बहुत गर्मी है इसीलिए वो वहाँ पे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो बस ये इसी कारण हमको पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और ये देखिए, ये पूरा जो एक झुंड है, पूरा परिवार ही है, इसमें छोटे बच्चे भी हैं। देखिए कितनी खूबसूरत आपको ये लग रहे हैं, और बच्चे खूबसूरत ही होते हैं किसी के भी हो। और ये देखिए, ये आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप ज़रूर आइए, वन डे पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो, ये बेबी लग रहा है, और ये देखो, ये भी एक बेबी लग रहा है। तो इनकी स्किन देखिए, और कितना अच्छा है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे ना पेंगुइन्स भी है, और लेकिन वो लोग शूट करने नहीं देते। काफ़ी लोग ने किया, लेकिन मैं जब आया, मुझे तो यहाँ पे शूट करने नहीं दिया। और यहाँ पे है, आप फॉक्स देख सकते हो किधर है। ये देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे, लेफ्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आएगा आएगा ये देखो, यहाँ पे खड़ा है ये। लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, इसको थोड़ा इंजर्ड है, इसीलिए वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है, ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए एक छोटा सा गार्डन भी बना है, प्ले ग्राउंड अम्यूजमेंट जैसा। तो यहाँ पे आपके बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे फैमिलीज आती है। आज जैसे आज थोड़ा मैंने कहा कि आज गर्मी ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ी पब्लिक थोड़ी मुझे कम लगी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक होती है, ज़्यादा करके यहाँ पे पब्लिक आती है। तो आप भी ज़रूर आइए, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और ये कुछ अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ बनाया गया है, ये देखिए, यहाँ पे आप साथ बैठ भी सकते हो आराम से। और यहाँ पे आपको लेपर्ड भी दिखेगा, आपको हाइना भी दिखेगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे बनाया है, पहले इतना नहीं था, एकदम सीधा साधा सिर्फ गार्डन ही हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया, सोचा आपको मैं यहाँ का व्लॉग ज़रूर करके बताऊँ। यहाँ पे देखिए, लोग आते हैं अपने अपने तरीके से, सब लोग एंजॉय करते हैं, और काफ़ी अच्छी जगह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को बाल रूप में दिखाया गया है, उनके माता के साथ, तो काफ़ी अच्छा बनाया है। और यहाँ से आपको फ़ोटो भी बहुत अच्छा आएगा।
और ये भी एक बनाया एकदम रियलिस्टिक लगता है। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो तो अगर आप परफेक्टली फ़ोटोग्राफी करोगे तो आपको ये रियलिस्टिक भी लगेगा आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर। ये एंट्री के ऊपर ही है, जब आप एंट्री करते हो तो ये एंट्री के ऊपर ही है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी आप अच्छी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो लेना है तो बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा। और ये देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही एक बार मैं फिर आपको मैं शो करूँगा। यहाँ पे आप फ़ोटो लोगे तो फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और हाँ दुआ में ज़रूर याद रखिए। इस गर्मी के मौसम में एक गाना रफ़ी साहब का आपके लिए, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।